एमपी के हरदा जिले में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण हादसा हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। हादसे के कुछ ही दिन बीते हैं, मगर अभी भी कई जगह सुतली बम से भरी बोरियां मिल रही हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों हरदा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट के बाद लगातार पुलिस प्रशासन सर्चिंग कर रहा है। पुलिस की सर्चिंग से फटाका व्यवसाय में हड़कंप मचा हुआ है। फटाका निर्माण करने वाले सुतली बमों की बोरियों को भर भर कर बाहर फेंक रहे हैं। लगातार जिले के गांव से खबरें आ रही हैं कि जगह जगह गांव के बाहर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पटाखे फेंके जा रहे हैं। बीते दिनों सिराली तहसील के गांव दीप गांव में नहर पर पटाखे मिले थे। इसके बाद हरदा रेलवे ट्रैक के बाजू से पटाखे मिलने के बाद से पुलिस प्रशासन और सक्रिय हो गया। वहीं रविवार को हरदा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव पलासनेर में नहर पर सुतली बम की बोरियां मिली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना कोटवार को दी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं शुक्रवार को भी हरदा की रेवापुर माइनर पर 6 से 7 बोरियां सुतली बम के मिलने की खबर से हड़कंप मच गया था। ग्रामीणों ने कहा कि गेहूं चने की फसल पक चुकी है, तैयार हो चुकी है, अगर ऐसे में सुतली बम फेंके जाते हैं और वहीं अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाता है तो किसान क्या करेगा। किसानों का कहना है कि समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो फिर कोई बड़ा हादसा होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। फटाके इतने खतरनाक है कि इतने बड़े साइज में अगर ये गर्मी में अगर सूख के अगर घाम तेज होती है तो ये फिर उसे आग पकड़ ले। प्रशासन को मैंने सरपंच महोदय को प्रथम सूचना दे दिए हैं और सचिव महोदय के वो अभी यहाँ पर आने वाले हैं। 4 बोरी यहाँ पर पाई गई है और 4 बोरी आगे 12 आर में फंसी हुई है। वो कलर वाले हैं, सुरेश कुनासे जी का खेत है। उन्होंने अभी बता के गए कि भैया 4 बोरी और आगे फंसी हुई है। मेरे को अभी सूचना मिली, हरदा से फोन आया था कि बोले आप जाके वहाँ देखो। तो मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा यहाँ 4 बोरियाँ पड़ी हुई है। तो 1 किलोमीटर दूर पे भी जानकारी है, मैं गया नहीं वहाँ पर, मैं अब जा रहा हूँ देखने। 4 बोरी वहाँ पर बता रहे जिसको 12 आर बोलते हैं। हाँ चलो, पटवारी जी को बोल दिया और पुलिस भी आ रही है, बस 2-5 मिनट में आने वाली है। उनने कहा कि किसी को हाथ लगाने मत देना, आप खड़े रहना वहीं पर, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।